हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित, आपका दोस्त बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने रियल एक्सपर्ट चैनल में। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि अपने ऐप्स के लिए स्क्रीनशॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ, कोई भी आपके ऐप्स में यूजर आता है तो सबसे पहले वो ऐप आइकन चेक करता है। ऐप आइकन चेक होने के बाद वो क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीनशॉट की तरफ देखता है, मीन्स स्क्रीनशॉट आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर उसको स्क्रीनशॉट पसंद आया तभी वो आपके ऐप्स को इंस्टॉल करेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपका स्क्रीनशॉट एकदम अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि स्क्रीनशॉट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट कैसे क्रिएट करेंगे। ऐप के लिए स्क्रीनशॉट बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट में आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक URL प्रोवाइड करूंगा, जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे रिडायरेक्ट होगे तो इस वेबसाइट का आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट बनाने के लिए इस वेबसाइट को स्क्रॉल करना होगा। जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं, जो आपको ये ट्राई डेमो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें वर्क करना है। मैं सबसे पहले इसके एक एक फंक्शन आपको बता देता हूँ एडिट करके, बाद में मैं आपको 6 स्क्रीनशॉट प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। तो ये जो आपको कैप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन, ये प्रीव्यू स्क्रीन है। यहाँ पे जो भी आप राइट हैंड साइड में एडिट करोगे सब आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रीव्यू के इसमें दिखाई देगा। जैसे मैं इसको अभी यहाँ पे मैं अभी टेक्स्ट एडिट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रोहित करके, 2 मिनट कैप्शन। अब वो यहाँ से मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले जो आपको कैप्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कैप्शन में कोई भी मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे रोहित। जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है रोहित करके। तो आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे जो नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीनशॉट के टेम्पलेट है। आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट कैप्शन बिलो। अगर सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ओनली, कैप्शन बिलो रोटेट, डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको जो राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है डिवाइस कलर, आप यहाँ से कोई भी जो भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रही होगी उसका आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ये अभी व्हाइट कलर की डिवाइस है, मैं इसको भी ब्लैक करता हूँ। आईफोन ब्लैक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना डिवाइस का भी कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसको टेम्पलेट को थोड़ा डिफरेंट सिलेक्ट कर देता हूँ, कैप्शन और वो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपने जो अपने, जैसे मैंने यहाँ पे रोहित लिखा था, इसका आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। अल्ट्रिच, एरियल, आपको बहुत सारे फॉन्ट फैमिली यहाँ पे भी अवेलेबल मिलेंगे। मैं अभी के लिए इसको अल्ट्रिच कर देता हूँ। आपको फॉन्ट साइज भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर आपको टेक्स्ट स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल पे क्लिक कर सकते हो, लार्ज में चाहिए तो लार्ज पे क्लिक कर सकते हो। आपको राइट हैंड साइड में फॉन्ट वेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट फॉन्ट के टाइप्स मिल जाएंगे। मैं अभी इसको बोल्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड अगेन नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है कैप्शन कलर का, तो जो आपने यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट किए थे उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं भी इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो अभी व्हाइट है इसका मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ। आपको जो भी कलर पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट करके चूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको थोड़ा ब्लूइश रख देता हूँ, ठीक है, तो ये हुआ थोड़ा ब्लूइश, ठीक है। तो यहाँ से आप कैप्शन का कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का भी कलर चेंज कर सकते हो, बट यहाँ से अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो सिलेक्ट बैकग्राउंड को आपको सबसे पहले नन करना होगा तभी इसको आप चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर में अभी क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर में पहले इसको नन कर देता हूँ, एंड बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैकिश टाइप में रख देता हूँ। देख सकते हो आप कितना अच्छा अभी फॉन्ट लग रहा है, जो कि बैकग्राउंड कलर का पीछे का है। यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको बैकग्राउंड्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे, मटेरियल डिजाइन, ट्रैवल्स, पॉलीगॉन, पीपल्स, वुड, बहुत सारे आपको अवेलेबल्स मिल जाएंगे। जैसे मटेरियल डिजाइन पे क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड आपको ऐसा ही दिखाई देगा, पॉलीगॉन पे क्लिक करता हूँ तो आपको बैकग्राउंड ऐसा दिखाई देगा, पीपल्स, आपको बहुत सारे जो भी आपको अच्छा लगता है बैकग्राउंड यहाँ से आप चूज कर सकते हो, जो कि डिफॉल्ट बैकग्राउंड आपको मिल जाएगी। बट अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना रहा, अगर कलर चूज करना रहा, तो सबसे पहले आपको यहाँ से नन करना होगा, तभी आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज को समझ लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज यानी
अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी नहीं चाहिए, जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड है वो भी नहीं चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी इमेज है, अगर उसको आपको बैकग्राउंड करना रहा तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, तो अभी मैं मुझे बैकग्राउंड ये चाहिए, तो मैं इस पर सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो अभी ये जो हमने इमेज सिलेक्ट की थी वो अभी बैकग्राउंड में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ, जो कि मुझे अभी हमने इमेज अपलोड की थी वो नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने रिमूव पे अपलोड सॉरी रिमूव पे क्लिक कर दिया। अभी क्या करता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप अपलोड और स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर दे, आपको जो भी स्क्रीनशॉट आपको बनानी रहे वो स्क्रीनशॉट अपलोड करके आप उसकी फुल डिवाइस में स्क्रीनशॉट बना सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में होगा कि जो भी मैंने आपको एक एक फंक्शन बताया वो आपको क्लियरली डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी हम स्क्रीनशॉट बना के देखते हैं। तो हमें फिटनेस ईयर, सबसे पहले मैं इसको टेक्स्ट में लिख देता हूँ फिटनेस ईयर करके, क्योंकि हमारा ऐप फिटनेस ईयर के रिलेटेड है। ठीक है, फिटनेस ईयर यहाँ पे लिख दिया एंड कुछ यहाँ पे अच्छा दिखने के लिए साइन में कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो टेम्पलेट दिखाई दे रहा है, टेम्पलेट आप मैं तो कैप्शन अबो ही रख देता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है मुझे, एंड आईफोन वाइट कर देता हूँ, सॉरी आईफोन गोल्ड कर देता हूँ। एंड फॉन्ट फैमिली में जाके मैं अल्ट्रा स्टेंसिल जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। कैप्शन कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जो कि वाइट चाहिए, वाइट कर दिया। एंड बैकग्राउंड कलर में डिफॉल्ट रख देता हूँ, जो कि हमने कलर सिलेक्ट कर दिए थे। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट अभी बन चुके हैं, तो ये देखने के लिए अच्छी लग रही है, बट स्क्रीनशॉट हम अपलोड स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके इस स्क्रीनशॉट को बनाते हैं। तो देख सकते हो हमारी स्क्रीनशॉट अभी अवेलेबल है, जो कि देखने में अच्छी खासी बहुत ही अच्छी लग रही है। देख सकते हो हमारी स्क्रीनशॉट अभी रेडी है। अभी इसको हम क्या करना है, इस स्क्रीनशॉट को हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमको इसमें राइट क्लिक करना होगा। जैसे हम राइट क्लिक कर देते हैं तो आपको कुछ ऑप्शन अवेलेबल मिल जाएंगे, तो मैं सेव एज पे क्लिक कर देता हूँ। एंड जैसे मैं सेव एज पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको जो एक देख सकते हो डाउनलोड एक स्क्रीनशॉट हो चुके हैं। तो मैं अभी सेकेंड स्क्रीनशॉट बना के दिखाता हूँ, जो कि हमारे स्क्रीनशॉट ऐसी दिखनी चाहिए, ये सबसे बेस्ट स्क्रीनशॉट लगती है। तो अगर आपको एक इमेज है एंड दो इसमें इसको डिवीजन करना है, और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, एंड एक स्क्रीनशॉट के दो इसमें भी डिवाइड हो जाते हैं, जो कि अगर आपको ज़्यादा स्क्रीनशॉट चाहिए तो इस टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट चूज कर लेता हूँ, जो कि हमें स्क्रीनशॉट बनाना है, इस स्क्रीनशॉट को हमें बनाना है। ओपन पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ से कोई भी टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ, जो हमें डिवाइस रोटेट वन, तो देख सकते हो जो ये हाफ है हमने सिलेक्ट कर दिए, एंड इस पे राइट क्लिक करके सेव एस इमेज पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे ये स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो चुके हैं। अभी हमें कुछ नहीं, डिवाइस रोटेट टू पे क्लिक करना है, एंड इसको अगेन हमें क्या करना है, तो डाउनलोड करना है सेव एस इमेज, एंड ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम कुछ अलग स्क्रीनशॉट बना के देखते हैं। जैसे हम अभी कोई टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट अभी अच्छी नहीं लग रही है। हमें क्या करते हैं, तो टेम्पलेट यहाँ से कोई बाय डिफॉल्ट अच्छा टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। तो फुल डिवाइस रोटेट, अब ये देखने में अभी अच्छी खासी लग रही है, यानी कि बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अगेन यहाँ से कोई भी स्क्रीनशॉट चूज कर लेता हूँ एंड यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से एंड कैप्शन अबो, ये देखने में बहुत ही अभी अगेन अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो हमने अभी स्क्रीनशॉट बनाए हैं उसको हम अभी देख लेते हैं प्रीव्यू में वो कैसे लग रहे हैं। तो हम सबसे पहले डाउनलोड फाइल में चले जाते हैं एंड शो इन फोल्डर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो हमने अभी अभी स्क्रीनशॉट बनाए थे वो अभी दिख रहे होंगे आपको, कितने अच्छे लग रहे हैं। सबसे ये अच्छे लगते हैं जो कि दो इसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ऐप के लिए स्क्रीनशॉट बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि स्क्रीनशॉट कैसे बनाते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आएगा कि अपने एप्स के लिए अट्रैक्टिव स्क्रीनशॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।